नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। प्रकृति है तो सब कुछ है, प्रकृति के बिना कुछ भी नहीं। पेड़ ऑक्सीजन का भंडार है, इसे सहेजना होगा। उक्त विचार उपखंड अधिकारी सुंदरलाल बांबोड़ा ने भीलवाड़ा जिले के रायपुर कस्बे की श्री कृष्ण गौशाला में विश्व पर्यावरण दिवस पर भारत विकास परिषद द्वारा आयोजित पौधारोपण अवसर पर मुख्य अतिथि पद से उपस्थित भारत विकास परिषद सदस्यों एवं गौ सेवकों के समक्ष व्यक्त किए। पूर्व प्रधान कन्हैया लाल खटौर ने कहा है कि 5 जून को मेरा जन्म दिवस है, हर वर्ष मैं एक पौधा लगाता हूं। आप भी इसी तरह पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन में सहयोगी बने। रायपुर सरपंच इंजीनियर रामेश्वर लाल चीपा ने कहा है कि चले प्रकृति की ओर, चले गांव की ओर, सबको अपनाना होगा। डॉक्टर सत्यनारायण तातेला ने भारत विकास परिषद का संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत किया। भारत विकास परिषद के सचिव रमेश चंद्र वैश्व ने परिषद द्वारा पर्यावरण के क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों को प्रस्तुत किया और कार्यक्रम का संचालन किया। इस अवसर पर श्रीकृष्ण गौशाला के व्यवस्थापक ओम प्रकाश दाधीच का श्रेष्ठ गौशाला संचालन पर सम्मान किया गया। इसी सम्मान की कड़ी में सर्वश्रेष्ठ पर्यावरण प्रेमी के रूप में रमेश चंद्र वैष्णव का माला उपरणा पहनाकर सम्मान किया। कोरोना योद्धाओं के रूप में डॉक्टर मनीष कुमावत, राजस्थान पत्रिका के रायपुर संवाददाता और समाचार पत्र वितरक किशन लाल खटेक, कांस्टेबल जगदीश चंद्र और पूरे उपखंड का कोरोना काल में सही संचालन करने के लिए उपखंड अधिकारी सुंदरलाल बांबोड़ा का कोरोना योद्धा के रूप में सम्मान किया गया। सम्मान के तुरंत बाद नंदी गौशाला में वट वृक्ष के पौधे का रोपण किया गया। कैलाश चंद्र दाधीच का जन्मदिन होने से उनका भी स्वागत सम्मान किया गया। पौधरोपण अवसर पर भारत विकास परिषद के पूर्व अध्यक्ष देवीलाल शर्मा, माहेश्वरी समाज के अध्यक्ष राधेश्याम काबरा, समाज सेवी जगदीश चंद्र टेलर, आदर्श विद्या मंदिर के पूर्व प्रधानाचार्य रामचंद्र सालवी, भारत विकास परिषद के संरक्षक सुभाष चंद्र झवर, उपाध्यक्ष दिनेश शर्मा, गिरधारी लाल कुमावत, विशाल वैष्णव, गौभक्त प्रहलाद वैष्णव, कन्हैया लाल बैरवा, अशोक दाधीच, नांदसा से रामलाल सुथार, वन विभाग के रेंजर भगवत सिंह चुंडावत, कमला खाटौर सहित पर्यावरण प्रेमी और गौभक्त उपस्थित थे। और ये कुछ न कुछ उद्देश्य लेके आता है, इसका अगर अपन सदुपयोग करें तो निश्चित रूप से अपने जीवन में सफलता मिलती है। पर्यावरण के बिना मानव अधूरा है। आपने भी देखा ही होगा कि पिछले माह जब कोरोना की दूसरी लहर का प्रकोप आया, पहली लहर तो ठीक ठाक निकल गई या ऐसी कोई मानव क्षति नहीं हुई थी, लेकिन इस दूसरी लहर में इतनी जाने गई कि अपन उसका आकलन नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने अपना टेस्ट कराया ही नहीं और बिना जांच के ही वो मरा। हो सकता है वो कोरोना से भी मरा हो, लेकिन वो रिकॉर्ड पर नहीं आया है। और मरने का मुख्य कारण यह रहा कि उनको ऑक्सीजन नहीं। वृक्ष आप लगाते हो एक साल में एक, उसकी देखभाल करो कि वो चल रहा कि नहीं चल रहा, वो बड़ा हुआ कि नहीं हुआ। अभी ताज़ा बात कह रहा हूँ मैं आपको, हमारे मोहल्ले में तो अशोक के वृक्ष लग रहे हैं साहब के पास, उन्होंने बहुत मेहनत करके लगाए, बहुत बड़े हो गए। एक वृक्ष में अभी सूखा बना गया। मैं शाम को गया वहाँ यार, मैंने कहा अभी देखो भाई से बेची जा सकता हूँ, मेरे पड़ोस को बता रहे हैं पर